और झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर लगे आरोपों की जांच राज्य निर्वाचन आयोग ने डीसी को करने का निर्देश दिया है और इस पर मंत्री ने पूरे मामले को साजिश बताया, साथ ही उनके खिलाफ होने वाली जांच का स्वागत किया है। आपको बताते चले कि सुनील कुमार महतो ने मिथिलेश ठाकुर पर तथ्य छिपाकर चुनाव लड़ने और सरकारी पद पर रहते हुए अपनी ही कंपनी सत्यम बिल्डर्स को सरकारी ठेका देने का आरोप लगाया था। भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा और जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने डीसी को जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सारी बातें अलग है, इनकी कौन करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इस लोकतंत्र में सभी लोगों का अधिकार है अपनी बातें रखने का, और किसी ने अगर कोई शिकायत की है तो उसकी जांच करके रिपोर्ट मांगा गया है। उपायुक्त रिपोर्ट जो होगा वो रिपोर्ट उपायुक्त भेजेंगे, उस अनुसार जो नियम संगत बातें होंगी, जो नियम संगत कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए। कोई भी करे, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि उसकी जाँच हो और उसकी जाँच करके और उसकी रिपोर्ट सौंपे जहां से मांगी गई है जांच। और रांची में नलजल योजना के तहत बिछाई जा रही पाइप भी सुरक्षित नहीं है। पानी के पाइप पर चोरों की नजर पड़ चुकी है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में चार ट्रकों में चोरों ने पाइप को लोड कराया और फिर ट्रक लेकर वहां से फरार हो गए। मामले में पुलिस ने दो ट्रक को रिकवर किया है जिसमें 16 पाइप लोड थे। पूछताछ में पता चला कि ये पाइप को लेकर खड़गपुर जा रहे थे और मामले में तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुल 32 पाइप की चोरी हुई है। पूरे मामले में रांची के एक ट्रांसपोर्टर का भी नाम सामने आ रहा है। जैसा बताया जा रहा है कि हर पाइप का अपना वैल्यू 70,000 रुपये है, क्योंकि जो रिकवरी है वो 11,20,000 रुपये की है। और ये सारी चीज़ें कल रात में जाकर फलीभूत हुई हैं। इसमें टोटल अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ अन्य लोगों को भी हम लोग राउंड अप कर रहे हैं।